कैसे हैं आप लोग। माय सेल्फ वर्षा शर्मा। आज के स्किन केयर सेशन में फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसको लगा के आप बहुत जवान दिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दो टॉपिक डिस्कस करूंगी, एक मैच्योर एजिंग और एक प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग क्या होती है, जो हमें 25-30 प्लस में ही दिखने लग जाती है। फ्रेंड्स आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, जो खाना पीना हो गया है, तो उससे हमें प्री मैच्योर एजिंग आनी शुरू हो जाती है। पहले एजिंग आती थी 50 प्लस में। एजिंग कब आनी शुरू होती है फ्रेंड्स, जब शरीर में पुनर्निर्माण कोशिकाएं अपने काम करने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। और पहले कब होता था, 40 प्लस में जाके वो हमारे टिश्यूज धीरे धीरे नए बनने स्लो होने शुरू हो जाते थे। यंग एज में तो ये बहुत जल्दी जल्दी से वापिस आते हैं, लेकिन आफ्टर 35-40 प्लस के बाद पहले ये टिश्यू रीजनरेट होने में धीरे हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, ज़्यादा देर तक टीवी देखना, ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे काम करना, उसकी वजह से यंग एज में ही हमें यहाँ पे क्रोफिट्स बनने शुरू हो जाते हैं और उसी को हम बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। क्या होता है, जो बॉडी में कोलेजन और इलास्टिन नामक तत्व अपने काम करने की प्रक्रिया को धीरे कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें एजिंग आनी शुरू होती है। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसको एजिंग वाले तो लगा ही सकते हैं, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग वाले भी लगा सकते हैं। जो 25 प्लस है वो भी लगा सकते हैं और 50 प्लस है वो भी लगा सकते हैं, और लगाते ही आपको डिफरेंट महसूस होगा। आपकी स्किन इतनी टाइट, इतनी फ्रेश फील होगी कि आप इसको रोज रोज लगाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स नोट करिए आपको क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले आपने लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा नींबू और गुलाब जल। इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रेंड्स ये पैक टपकना नहीं चाहिए, आपने इतना पतला नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि पतला बन गया, तो आप इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी और मिक्स करके इसको आपने थिक पेस्ट की तरह बनाना है और अपने चेहरे पे 20 से 25 मिनट्स। फ्रेंड्स सुनिए, जिन लोगों की स्किन सैगी हो जाती है उनको कम से कम 25 मिनट तक ये पैक लगा के रखना है और बात नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है, म्यूजिक सुनना है या अपना कोई काम करना है। अगर आपको बीच में लगता है पैक ड्राई हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप उसके ऊपर थोड़ा सा रोज वाटर अपना स्प्रे कर सकते हैं उसको दोबारा से वेट करने के लिए। लेकिन सैगी और प्री मैच्योर एजिंग को रोकने के लिए फ्रेंड्स आपको 20 से 25 मिनट्स तक ये पैक अपने फेस पे लगा के रखना है। 50 प्लस वाले इसको रेगुलर भी लगा सकते हैं 1 वीक तक और फिर उसके बाद डिफरेंट डेज में, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग वाले इसको हफ्ते में 3 बार लगाएं पहले और फिर हफ्ते में 2 बार। डेफिनेटली फ्रेंड्स 101% आपको पहली बार में ही फर्क महसूस होगा। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा ये नुस्खा समझ में आया हो, ये रेमेडी समझ में आई हो। अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिगार्डिंग, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर ही सकते हो यार। ओके फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।